पॉसिबल हो तो मैं ऐसा विचार कर रहा था, मेरी डॉक्टर उमर से बात नहीं हुई थी, तो आपसे पहले मैं मशवरा कर रहा हूं, फिर उसके बाद उनसे करूंगा कि आज अपन मोटा मोटा दोष कर लेते हैं, अगर बच गया तो फिर अपन अगले में ले लेंगे। हाँ, ठीक है। इसके बाद लेकिन जो है अपन डॉक्टर मोल को एक 6-7 लेक्चर की सीरीज देते हैं कि फिजियोलॉजी पूरी करें, अच्छा और फिर जो है एक बार एक्चुअली फिजियोलॉजी हो जाएगी, फिर मैं चाह रहा था अगर आप ठीक समझें तो वो जो अपनी अष्टविधा परीक्षा निदान का जो है वो फिर थोड़ा आप थोड़ा सा अगर विस्तार से जो भी आपको ठीक समझे हैं अच्छा तो लास्ट में अगर आप वो ले सकें तो कैसा रहे। हाँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसमें ऐसा है कि अष्टविध परीक्षा में थेरोटिकल नॉलेज तो हो जाएगा, जी और प्रैक्टिकल नॉलेज का ऐसा है कि जब तक पेशेंट देखेंगे नहीं तब तक वो इतना ठीक से नहीं रहता है। नेचुरली हाँ, और वो जैसा है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जैसे रहता है, मतलब ना ज्यादातर जो है नाड़ी परीक्षा के बारे में जब सोचते हैं तो वो ज्यादा, मतलब जितना एक्सपीरियंस ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा उसका क्या है, उसका आउटकम हमको हमें मिलेगा। मतलब जितना जी ज्यादा पेशेंट देखेंगे, जितने ज्यादा लोगों की नाड़ी देखेंगे, उतनी हमारी जो नाड़ी की विशेषताएं बताई है उसके बारे में जानकारी उससे ज्यादा होगी। तो जी उसको, मतलब वो तो बता सकते हैं कि क्या क्या होता है, कि जैसे वात में कैसी होती है, पित्त में कैसी होती है, कफ में कैसी होती है, बाकी और अलग अलग उसके प्रकार भी हैं, तो वो कैसा होता है वो तो बता सकते हैं, लेकिन फिर उसको आइडेंटिफाई कैसे करना ये बताना बहुत मुश्किल है। मतलब जैसे कहा है कि नाड़ी धत्ते मरुत्कुपे जलु का सर्प और गति वगैरह, तो वायु का प्रकोप होगा तो जलऊ का और सर्प की तरह उसकी गति रहती है, तो सर्प की गति एग्जैक्टली क्या होता है वो तो जब तक देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ना। वो करेक्ट बता के तो सिर्फ बता, मतलब हमें पता, मतलब मालूम होगा, जी लेकिन जब उसका स्वयं करेंगे तभी जानकारी मिलेगी कि वो कैसे होगा। जी जी बिल्कुल तो इसलिए वो थोड़ा सा, हाँ, जी बाकी जो है वो हम थोड़ा सा थियोरेटिकल देख सकते हैं, तो नाड़ी का जी भी थ्योरेटिकल पार्ट तो हम देख ही सकते हैं कि किस तरह से होता है, तो जी बाकी प्रैक्टिकल तो वो देना इतना संभव नहीं है। हाँ हाँ, और वो देना ठीक भी नहीं, क्योंकि वो परसेप्शन का विषय है, वो कि किसको कैसे परसेव होता है उसके हिसाब से फिर वो अपना अपना उसके ऊपर एक स्पेसिफिक अपना बनाता है कि वो जी किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेगा। जी अरे वो तो कोर इस जजमेंट तरह आपने बहुत वो है। सही कहा, ये इसमें तो जजमेंट का हाँ इन्वॉल्वमेंट होता है हाँ डायग्नोसिस में, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ तो हाँ, बस यही है कि वो एप्रिसिएशन तो एक वो एज अ हो। थेरोटिकल पार्ट तो हम उसको देख सकते हैं। जी। हाँ, एक्चुअली उसमें ऐसा भी है कि नाड़ी परीक्षा का एक जो है कि ये ज्यादातर शालंधर के बाद ज्यादा शुरू हुआ, मतलब अच्छा मुगल इन्वेजन के बाद। जी जी मतलब ऐसा है कि वो ऐसा उसका हिस्ट्री हो सकता है कि स्त्रियों को देखना नहीं है उनको, फिर उसका दर्शन परीक्षा नहीं करनी है तो सब पूरा ढक के रखेंगे, तो कैसा हाँ करेंगे, तो उसके लिए फिर हो सकता है कि वो नाड़ी परीक्षा खाली केवल नाड़ी को स्पर्श करके किस तरह से दोषों का विकृति और प्राकृत कैसा है वो जानकारी के लिए वो, क्योंकि उसके पहले हमें नाड़ी परीक्षा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती नहीं। मैं शालंधर संहिता के पहले, शालंधर संहिता है 13th सेंचुरी का वो ग्रंथ है, उसके अच्छा पहले वाले जो अष्टांग संग्रह, अष्टांग रुद्र या फिर चरक सुश्रुत में नाड़ी का इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन मिलता नहीं हमको, या फिर उसमें जो मिलता है कि वो दशीत परीक्षा का वर्णन ज्यादा मिलता है कि रोगी परीक्षा तो उसमें प्रकृति विकृति सार संवहनम आहार सात्वन सत्व वगैरह ऐसे ऐसे उसके अलग अलग प्रकार हैं, और इसी के अध्याय के लास्ट में हमको वो रोगी का परीक्षा करते समय किन किन चीजों का ध्यान में रखना होता है उसका भी एक शॉर्ट में एक उसका श्लोक आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो पहले के इसमें 3 प्रकार की परीक्षा तो थी दर्शन पर, उसके बारे में बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। तो उसके बाद नाड़ी का ज्यादा प्रचलन ज्यादा हुआ, उसके पहले इतना था नहीं। तो हाँ हाँ, इसलिए फिर वो थोड़ा सा
बताना, मतलब वैसे नाड़ी के ऊपर रावण का एक ग्रंथ मिलता है हमको कि नाड़ी तंत्र करके, हाँ वो भी थोड़ा कंट्रोवर्सियल है कि वो रावण जो जिसने ये लिखा शिव महिमा स्तोत्र वही रावण है या फिर दूसरा कोई रावण है, वो भी थोड़ा सा उसमें कंट्रोवर्सी है, या फिर जो महा रामायण वाला रावण है वो ही ये है क्या, इसके इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। तो उसने एक नाड़ी के ऊपर ही सेपरेट ग्रंथ लिखा है, वो छोटा सा ही है लेकिन उसमें डिटेल में बताया हुआ है, तो उसके जी बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं। जी जी है। और फिर साथ में वो जैसे वो उंगलियों वाली है और वो जीभ वाली, वो सब जो मेथड्स अलग अलग हैं वो भी हाँ साथ हाँ में कवर कर वो हो रहे जाएगा, हैं, वो हो जाएगा। हाँ है ना। तो उसमें हम उसमें ये कर सकते हैं कि वो अष्टविध परीक्षा तो होगा उसमें, हाँ साथ में भी जो दसवीं परीक्षा जो चरक ने बताई है वो भी हम देख सकते हैं कि जिस जैसा मैंने प्रकृति विकृति सार संवहन वगैरह बोला है उसको भी हम देख सकते हैं, तो उसके लिए एक दो लेक्चर और लग सकते हैं। ठीक है। तो हाँ हाँ, तो ऐसा करते हैं फिर, अगर आपको ये स्कीम ठीक लगती है तो मैं अभी, डॉक्टर अमोल तो आज शायद कहीं फिर ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ, तो उनको 5-6 लेक्चर कंटिन्यू देना पॉसिबल है कि नहीं, आपसे आप उनसे एक बार पूछ हाँ, मैं पहले लीजिए। उसे चेक कर लेता हाँ हूँ। अगर हाँ वैसे नहीं भी होता तो ऐसा भी कर सकते हैं जैसे अपना करते आए हैं कि भाई वो स्केड्यूल कर लें, और अगर किसी एक पर्टिकुलर उसके अंदर कहीं होता है तो फिर अपन ये जो अष्टविधा वो बीच में ले सकते हैं, जैसे जैसे अगर उनको वो होता है वैसे कुछ कर सकते हैं तो ठीक वो है। है ना। लेकिन मैं पहले उनसे, मैंने पहले आपसे बात हाँ करना आप, हाँ समझा। नहीं मुझे दिक्कत नहीं है, वो तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनसे एक बार, क्योंकि लेना उनको है, नहीं लेना तो थोड़ा आसान होता है कि नहीं लेना तो ठीक है, ये तो आसान हाँ है, लेकिन लेना है तो तैयारी थोड़ा करनी पड़ती है ना, तो इसलिए भी वो उनको एक बार पूछ लीजिए वो उनका पॉसिबल है कि नहीं है, करेक्ट, क्योंकि क्योंकि पीछे जब बात हुई थी तो उन्होंने यही उनको वो कहा पूरा था कि पीपीटी वगैरह बनाना पड़ता है ना, तो कुछ हर शनिवार टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो क्योंकि वो क्या है, उन्होंने भी पिछली बार बल्कि ये कहा था कि भाई मैं ये फिजियोलॉजी करके थोड़ा सा मैं डेफिनेटली वो मर्म चिकित्सा के ऊपर कुछ बताना चाहूंगा, उनकी मतलब इसकी अच्छी हाँ बात हाँ है। उनका पीएचडी का उनका टॉपिक भी वो है हाँ मर्म हाँ के हाँ ऊपर। करेक्ट करेक्ट। तो ये अब देयरफॉर मतलब मैं इसीलिए इस तरह से कोशिश कर रहा था कि भाई अपना जो कोर आयुर्वेद का भी एक बेसिक वैसे इस तरह से हो जाए जो कि अपने आप में कंप्लीट हो, और उनका भी उनको भी ये लगे कि हाँ भाई ठीक है, अपन ने एक मैंने एनाटॉमी तो काफी ठीक से हो गई है अब, लेकिन फिजियोलॉजी भी ठीक से पूरी हो जाए, और जो उनकी वो वाली इच्छा है कि एक या दो लेक्चर कम से कम मर्म चिकित्सा पे अगर हो सके तो वो भी कर लें। तो ठीक है। ये एंडेवर है, मैं उनसे मिड वीक ऐसे कुछ बात करूंगा, है ना, हाँ और ठीक फिर है मैं आपको कॉल करूंगा ठीक है जिस ठीक तरह से है। उनका फिर मत है फिर उस हिसाब से अपन करें। हाँ ठीक है। तो वैसे आज ये पूरा करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक थोड़ा सा फिर फास्ट जाना पड़ेगा क्योंकि जी उसमें कुछ चीजें हैं जो वो थोड़ा समझना इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इंफॉर्मेशन है वो तो हो सकता है, और ये भी है प्रैक्टिस वाला ही ज्यादा वो विषय है इसमें, जो जितना ज्यादा हम लोगों को देखेंगे पेशेंट को या फिर व्यक्तियों को देखेंगे तो फिर वो थोड़ा सा ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं। तो हमने पिछली बार वो वात पित्त और कफ के 5-5 प्रकार, उनका क्षय के लक्षण, वृद्धि के लक्षण, फिर उनकी क्या क्या उसकी क्रिया है, एक्शन क्या है, वो हमने देखा था तो वो क्या क्या कर्म करते हैं, और जो अविकृत है मतलब जो सामान्य नॉर्मल स्थिति में जो दोष है, जो वायु के 5 प्रकार है, प्राण पान उदान ज्ञान समान, और फिर पित्त के 5 प्रकार है, पाचक आलोचक भ्राजक रंजक, और कफ के 5 प्रकार है, श्लेषक है अवलंबक है और क्लेदक बोधक,
करपक, ये सभी जो कफ के प्रकार हैं, इन सभी के हमने देखा था कि वो उनका स्थान क्या है और चिकित्सा करते समय किन चीजों को ध्यान में रखना होता है और वो शरीर में क्या क्या क्रियाएं करते हैं उसके बारे में हमने देखा था। जैसा ये सभी शरीर में व्याप्त है फिर भी ये उनका चिकित्सा अगर करनी है तो स्पेसिफिक स्थान की चिकित्सा करेंगे तो उसका रोगों का जो प्रशम है, मतलब रोगों का जो चिकित्सा है वो जल्दी हो जाती है। और काल भी उसके अनुसार अगर हम निश्चित करेंगे कौन से काल में क्या क्या देना है, किस किस दोष के लिए औषधि का प्रयोग करना है वो अगर करेंगे तो उससे चिकित्सा में लाभ जल्दी मिलता है। तो इसमें इसके बाद वाले जो श्लोक है उसमें थोड़ा सा जानकारी ऐसी है कि दोषों की एक सुश्रुत संहिता में षट क्रियाकाल नाम से एक शब्द आता है, मतलब चिकित्सा करने के 6 काल होते हैं कि जिन कालों में हमको चिकित्सा करनी चाहिए, तो उनका 3 में डिवाइड इसमें किया है। चरक में तो 3 है, चय प्रकोप और प्रशम, संचय प्रकोप और प्रशम, ऐसे 3 प्रकार से दोषों की बढ़ेगा कैसे, बढ़ने के बाद थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा और फिर वो नॉर्मल कंडीशन में कैसे लाना है, उसके बारे में 3 स्टेजेस दोषों की है ऐसा इसमें बताया है। लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो सुश्रुत संहिता में षट क्रिया काल करके बताया है, संचय प्रकोप प्रसर स्थान संश्रय व्यक्ति और भेद, ऐसे 6 प्रकार में उन्होंने बताया है कि दोष बढ़ते जाते हैं तो कैसा कैसा बॉडी में उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो उसी को थोड़ा सा कंसाइज करके 3 प्रकार के दोषों की अवस्था इसमें बताई है। तो वो जो है हमने क्षय वृद्धि और साम्यावस्था ये तो हमने देखा ही है, लेकिन उसके साथ ही एक दोष का जो है वो अलग प्रकार से अगर एक ही दोष बढ़ेगा तो उसके 3 अवस्थाओं में कैसे रहेगा तो उसके बारे में इसमें बताया है। तो संचय यानी अपने ही स्थान में दोष बढ़ेंगे, मतलब उसका जो पर्टिकुलर स्थान हर एक दोष का जो बताया है, तो वायु का जैसे पक्वाशय में स्थान बताया है वो बढ़ाए बढ़ेगा तो फिर उसके लक्षण क्या होंगे या फिर वो किन कारणों से प्रकोपित हो जाएगा। और वैसे ही पित्त का जो अपना स्थान है ग्रहणी है तो उन अपने स्थान में प्रकोपित होगा तो वो उसका कारण उसके कारण क्या रहेंगे, फिर कफ अपने स्थान में प्रकोपित अगर हो जाएगा मतलब उरस स्थान में अगर प्रकोपित हो जाएगा तो उनके कारण क्या रहेंगे, तो उनके और फिर तो उसको कहेंगे संचय। उसके बाद अपने स्थान से वो बाहर आएगा, जैसे हम जनरली उसका एग्जांपल हम देखते हैं कि जब जब दूध गर्म करते हैं तो अपने स्थान में पहले वो गर्म होता है, उसके बाद वो ज्यादा गर्म करेंगे तो अपने स्थान से बाहर निकलता है तो उसको हम बोलेंगे प्रकोप, तो शरीर उसके बाहर वो निकलेगा। तो फिर उस तरह से दोषों के बारे ये दृष्टांत है, मतलब उसी की तरह से होगा ऐसा नहीं है, तो वो समझने के लिए तो उस तरह से अपने स्थान से वो बाहर निकल के अलग अलग स्थान में जाकर अपना जो है सिम्टम लक्षण दिखाते हैं तो उसको हम कहेंगे प्रकोप। और जो तीसरी स्टेज है तो हम वो देखने के बाद हम या तो जिन कारणों से वो प्रकोपित हुआ है उनको काउंटर करने वाले कारण देंगे तो वो अपने आप अपने स्थान पर आ जाएगा, मतलब तो कम हो जाएगा, या फिर उनको बाहर निकाल देंगे तो फिर वो जो नॉर्मल उसकी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में वापस आ जाएगा, तो वो तीसरी अवस्था है उसको कहते हैं प्रशम। तो इस तरीके से 3 प्रकार से हम उसको डिवाइड करेंगे, एक है संचय या फिर उसको चय कहते हैं संचय या फिर केवल चय, दूसरा है प्रकोप और या फिर प्रकोप या फिर कोप दोनों भी उसको कह सकते हैं, और तीसरा है शम या प्रशम, ये तीनों भी ऐसे शब्द हैं कि जिनको हम जिनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे उनके लिए कारण क्या क्या होते हैं। तो श्लोक क्रमांक जो है 19 है 19, उसमें उन्होंने दिया है कि किन कारणों से दोषों का संचय होता है। तो वो श्लोक है उष्णेन युक्ता रुक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति संचयम् शीतेन कोपम उष्णेन समम स्निग्धादयो गुणाः। तो इसमें ये है कि उष्ण गुण से युक्त रुक्ष इत्यादि वायु के जो गुण है
उनसे वायु का संचय होता है, फिर और शीत गुण से उनका प्रकोप होता है वायु का, और शमन शमन होता है स्निग्ध इत्यादि गुणों से उसका शमन होता है। तभी उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। तो वायु के जो गुण है, रुक्षाद्य, यानी जैसा हमने वायु के जो पित्त के और कफ के तीनों के सेपरेट सेपरेट गुण देखे थे स्टार्टिंग में ही, चतुरुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म शलोनिला, ये हमने देखा था, जो हमने देखा था रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल, ये जो वायु के गुण पहले अध्याय में हमने देखे थे, पहले 11वें अध्याय में देखे थे, उसमें शीत गुण छोड़ के बाकी जो भी गुण है उनके साथ उष्ण गुण जब मिलेगा तो वो वायु का संचय करेगा। मतलब रुक्ष लघु चल सूक्ष्म ये जो गुण है वायु के, उनसे उनके साथ जब उष्ण गुण मिलेगा तो वो वायु का संचय करेगा। फिर उसका तो जब प्रकोप होगा तो शीत गुण जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसका प्रकोप हो जाएगा, और फिर उसके विपरीत गुण जब हम सेवन करेंगे या फिर लेंगे तब वायु का प्रशम होगा। स्निग्धादयो, जो भी वायु के अपोजिट वाले गुण है, शमम, तो बाकी जो स्निग्ध है गुरु है मंद है उष्ण है ये जो गुण है वो उनका सेवन करेंगे तो वायु का शमन हो जाएगा। तो अभी ये ऐसे ही पित्त का ही है, ऐसे ही कफ का भी है, और क्योंकि इन तो जैसे संचय में पहले कलेक्ट होता है, फिर प्रकोप में वो एक तरह से जो आपने दूध के एनालॉजी दिया वो उफनता है, मतलब अपनी जगह से बाहर जाता है, और प्रशम में क्या वो शांत होता है या और वो बिल्कुल एक्सीड कर जाता है? नहीं, प्रश्न मतलब वो नॉर्मल कंडीशन में आएगा। अरे वापस शांत हो जाता है। ठीक। हाँ, तो इसमें से जो प्रकोप वाली जो अवस्था है उनके सुश्रुत ने बाकी चार पांच डिवीजन किए हैं। तो पहली अवस्था तो वही है संचय, दूसरी अवस्था प्रकोप की है, उसके बाद जो है प्रकोप होने के बाद भी व्याधि का लक्षण हमको दिखने को मिलते हैं, तो उसके बाद है प्रसर स्थान संश्रय व्यक्ति और भेद, ऐसे जिन जिन कालों में हम चिकित्सा करनी चाहिए उसको कहते हैं षट क्रियाकाल। तो क्रियाकाल मतलब जो हम चिकित्सा यानी क्रिया है, तो क्रिया करने के जो काल है तो ये छह हैं। तो पहले संचय होगा, फिर प्रकोप होगा, फिर प्रसर, वो अपने स्थान से अलग जगह पर जाएगा, फिर होता है स्थान संश्रय जहां पर उसको दोषों को जगह मिलेगी। जैसा हम पानी जब बहता है तो जहां पर गड्ढा रहेगा वहां पर पानी जाके स्टैग्नेंट हो जाएगा, वैसे दोषों को जहां पर जगह जगह मिलेगी उसको कहते हैं ख वैगुण्य। तो जहां ख यानी आकाश, जहां पर उसको स्थान मिल जाएगा वहां पर जाके वो स्टैग्नेंट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं स्थान संश्रय। और वो स्थान संश्रय होने के बाद व्यक्ति यानी वो डिसीज पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा, जो व्याधि है वो हमको पूरा जिस जैसा लक्षण निदान स्थान में बताए हैं, चिकित्सा स्थान में जो उनके स्थान लक्षण बताए रोगों के, वो पूरे तरीके से हमको देखने को मिलेंगे। तब तक जो है वो लक्षण के स्वरूप में रहता है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ लक्षण मिलता है, लेकिन जब व्यक्ति की अवस्था आएगी तब पूरा जो डिसीज है पूरा वो अपना पूरा सामर्थ्य दिखाता है। और उसके बाद भी चिकित्सा अगर नहीं किया तो फिर भेद की अवस्था में जाता है, मतलब उसके उसके बाद वाली अवस्था, मतलब उसमें उपद्रव देखने को मिलते हैं कुछ और ज्यादा, उसमें जो डीसी एक डिसीज होने के बाद जो दूसरे व्याधि हो सकते हैं, मतलब उसकी चिकित्सा नहीं किया, जैसे डायबिटीज की चिकित्सा ठीक ढंग से नहीं की तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, रेटिनोपैथी होती है, तो ये उसके उपद्रव है, उसकी चिकित्सा हमने ठीक से नहीं की। तो उसी तरीके से रोग के लक्षण पूरी तरीके से दिखने के बाद भी हमने में चिकित्सा नहीं की तो फिर उनके उपद्रव स्वरूप बाकी व्याधि उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं भेद। तो इस तरीके से उसको हम, ये षट क्रिया काल है कि इन कालों में चिकित्सा हम कर सकते हैं। तो फिर उपद्रव की चिकित्सा करने से पहले तो उपद्रव की चिकित्सा करना ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि फिर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उपद्रव की चिकित्सा पहले करेंगे या फिर जिन व्याधि के कारण उपद्रव हो गए हुए हैं उनकी चिकित्सा करेंगे, थोड़ा सा चिकित्सा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए फिर उस अवस्था में चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल रहता है। तो उस अवस्था में पहुंचने से पहले ही चिकित्सा आपने स्टार्ट कर देनी चाहिए, इसके लिए फिर षट क्रियाकाल ऐसे सुश्रुत संहिता में बताया है। तो ये जो प्रकोप वाली अवस्था है उसमें ही बाकी जो पांच अवस्थाएं हैं, प्रकोप प्रसर स्थान संचय व्यक्ति और भेद, वो उसमें इसमें इंक्लूड उन्होंने कर दिया है।
और उसके बाद हम चिकित्सा करेंगे प्रकोप होने के बाद, तो वो अपने आप जो जो है दोष है अपने स्थान में नॉर्मल सी में वापस आ जाएंगे, उसको कहेंगे प्रशम। तो ये तीसरी जो अवस्था है वो एक है संचय, जहां पर दोषों का संचय हो जाएगा, दूसरे में अपने स्थान से वो बाहर जाएंगे, वो उसमें सब हो जाएगा व्याधि वगैरह सब हो, और तीसरा चिकित्सा जब उसी करेंगे तो वो अपने स्थान में जो दोष है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो प्रशम यानी नॉर्मल कंडीशन में वापस आना, ऐसा उसमें है। तो उसके रीजन जो जो है, किन गुणों से प्रकोप होगा, किन गुणों से संचय होगा और किन गुणों से प्रशम होगा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये डॉक्टर साहब, ये सन्निपात की अवस्था कब आती है? सन्निपात यानी जब तीनों ऐसे, एक्चुअली हर एक व्याधि में जब तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है तब उसको हम सन्निपात की अवस्था कहते हैं। हाँ, एक है संसर्ग और दूसरा है सन्निपात। संसर्ग संसर्ग यानी दो दोषों को इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं संसर्ग। जब तीनों दोष अपने ज्यादा क्वांटिटी में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने ही पूरे गुणों से इन्वॉल्व जब रहते हैं तो उसको सन्निपात की अवस्था कहते हैं। तो वो हर एक व्याधि में वो आ सकती है, मतलब जिन व्याधियों जो व्याधि तीन दोषों से उत्पन्न होते हैं उन सभी व्याधियों में सन्निपात की अवस्था अगर चिकित्सा ठीक ढंग से नहीं की तो वो आ सकती है। तो ये भेद के बाद की अवस्था है सन्निपात। उसके बाद भेद होगा, अच्छा, सन्निपात मतलब आ ऐसा गया। है, इसमें ऐसा है कि एक इसमें ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि सन्निपात तीनों दोषों की बढ़ी हुई अवस्था है, ये है, लेकिन जिन कारणों से वो व्याधि हुआ है उन कारणों में अगर तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट है तो फिर सन्निपात की अवस्था होगी। अगर एक ही दोष से बड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि एक दोष बढ़ गया तो उसके कारण दूसरा दोष बढ़ेगा या फिर तीसरा दोष बढ़ेगा, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर एक के बढ़ने के कारण अलग अलग है दुष्ट जी होने के। तो वायु के वायु जो है वो जिससे प्रकोपित होता है, जिससे वो बढ़ता है, उन कारणों से पित्त प्रकोपित नहीं होता है। पित्त के गुण कुछ गुण प्रकोपित हो सकते हैं लेकिन सभी गुण नहीं होंगे, या फिर कफ जिस कारण से प्रकोपित होता है उन गुणों से वायु प्रकोपित नहीं होगा। तो इसलिए वायु मतलब वातज कोई व्याधि है तो उसमें पित्त और कफ का हर बार इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ऐसा नहीं है। और वात इतना भी बढ़ गया तो वो कफ को बढ़ाएगा नहीं अल्टीमेटली। तो इसलिए तीनों दोषों के कारण से अगर जब व्याधि होगा तब तो वो सन्निपात की अवस्था में जाएगा, क्योंकि एक दोष जो बढ़ने वाले जो रीजन है उनसे दूसरे दोष प्रकोपित होंगे ही, ऐसा जरूरी नहीं है। और वायु और कफ तो एक दूसरे के अपोजिट है, एक शीत गुण अगर छोड़ देंगे तो बाकी सभी वायु और कफ के गुण अपोजिट ही है। तो इसलिए एक दोष बढ़ जाएगा तो उसकी उसके कारण दूसरा दोष बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक दोष बढ़ेगा तो व्याधि एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन दोष दूसरे से इन्वॉल्व उसमें नहीं रहेंगे। इन दैट सेंस, इसका मतलब सन्निपात की अवस्था बहुत ही एक तरह से काफी डेंजरस सी अवस्था है, क्योंकि मल्टीपल दोष एक साथ हाँ बन रहे हैं तो उनको फिर वो वापस हाँ लाना जरा कठिन काम हो जाता है। क्योंकि एक एक की चिकित्सा करने के लिए जाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे की चिकित्सा करने जाएंगे तो तीसरा बढ़ जाएगा, तो ऐसे होता है। इसलिए फिर उसकी चिकित्सा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसमें भी चिकित्सा करने का सबसे पहला सूत्र उन्होंने जो दिया है वो संक्षेप था क्रिया योग निदान परिवर्जन, कि जिन कारणों से व्याधि हुआ है उनका परिवर्जन करना, मतलब निदान यानी हेतु, जिन कारणों से वो व्याधि उत्पन्न हुआ है उन कारणों से परहेज करेंगे तो फिर वो अपने आप जो है उसको बढ़ना, व्याधि का बढ़ना कम हो जाता है। तो निदान परिवर्जन ये सबसे पहली चिकित्सा बताई है। तो हमको पता है कि तीनों दोषों के कारण हुआ है तो तीनों दोष प्रशम अवस्था में आएंगे, उसके लिए क्या क्या आहार विहार देना है वो हम बता देंगे तो बहुत सारा वो कंट्रोल में आ जाता है। इस तरीके से उनको सोचना है कि बढ़े एक भी दोष बढ़ेगा नहीं, तीनों दोष नॉर्मल सी में आएंगे, इसके लिए क्या जरूरी है वो देख के उनको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखेंगे। जी। तो इसमें जैसे आहार की आपने बात की, तो जैसे कुछ, जैसे मेरी लिमिटेड समझ है, पर जैसे शायद जो हरा मूंग होता है या नारियल का पानी होता है, ये सब त्रिदोष नाशक होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए ऐसा है इसमें कि जब सन्निपात की अवस्था भी या फिर कोई भी तीनों तो अग्नि अपने आप ही थोड़ा सा वो है डिरेल हो जाता है। तो जी अग्नि को नॉर्मल कंडीशन में करेंगे तो उसके लिए कुछ आ, आ, इसी में पथ्यतम आहार का एक चैप्टर आता है कि कौन सा जो आहार है वो
पथ्यतम है, मतलब दो व्याधि की अवस्था में भी जो लिया जा सकता है, तो उसमें मुद्गर सबसे ज्यादा दाल में पथ्यकर है, तो मूंग तो ले सकते हैं। फिर चावल में भी एक जो 60 दिन में पकने वाला जो चावल है, वो सभी चावल में सबसे ज्यादा पथ्यतम है, तो वो ले सकते हैं। ऐसे पथ्यतम आहार की लिस्ट है, तो उनमें से भी जो भी लेंगे तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन में जाने के लिए उसका फायदा मिलता है। थैंक यू। तो वो भी चिकित्सक के ऊपर डिपेंड है कि उसको उसमें से क्या क्या देना है। क्योंकि जैसे मूंग, यद्यपि वो पथ्यतम है, लेकिन कभी कभी वो वात का प्रकोप भी करता है मूंग, तो इसलिए जब देंगे मूंग के साथ तो थोड़ा सा स्निग्ध करके देना है, तो घी के साथ मिला के वो देना है। इस तरीके से उसका जो उसको प्रविचारणा कहते हैं कि किस तरीके से पेशेंट को वो देना है, वो चिकित्सक को डिसाइड करना है कि हमको लघु आहार देना है, लेकिन उसके साथ वो स्निग्ध भी होना चाहिए, लेकिन वो कफ को बढ़ाने वाला भी नहीं होना चाहिए और वात का प्रकोप करने वाला भी नहीं होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो इस तरीके से बताना, वो चिकित्सक का काम है, वो बताएगा कि ये आप ले लीजिए। तो इसलिए आयुर्वेद में पथ्य का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि पथ्य का आहार का सेवन नहीं करेंगे तो चिकित्सा कितनी भी अच्छी आप कर लो उसका कोई फायदा है नहीं। तो एक तो एक लोली वैद्य जीवन नाम का एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें वो तो दिया है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणीहि। एक ही लाइन में दो अर्थ उन्होंने बताया है, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणीहि, पथ्ये असति गदार्थस्य किम औषध निषेवणीहि। मतलब पथ्य अगर आप सेवन कर रहे हैं तो औषध लेने की क्या जरूरत है, और पथ्य अगर आप नहीं ले रहे हैं तो औषध देने से कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से इन शॉर्ट में उन्होंने दिया है, तो इसका मतलब औषध का कोई स्थान नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है कि पथ्य अगर आप हाथ सेवन कर रहे हैं हमेशा, तो आपका औषध की सेवन जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप अपथ्य का ही सेवन अगर कर रहे हैं तो आप कुछ भी खा लो औषधि, तो वो तो ठीक होने का कोई कारण, मतलब ठीक तो होगी ही नहीं। इस तरीके से उन्होंने एक ही लाइन में दोनों अर्थ उसमें आ गए कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणीहि, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेवणीहि। यही एक ही लाइन केवल अ का एक अक्षर ऐड करके उन्होंने दोनों उसमें मीनिंग बता दिए। तो इस तरीके से इसलिए पथ्याहार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आयुर्वेद में है। तो इस तरीके से एक तो वात का हो गया, उसके बाद है पित्त को संचय प्रकोप और प्रशम किस तरीके से होता है। तो वो शीतेन युक्ताः तीक्ष्णाद्याः चयम पित्तस्य कुरुवते उष्णेन कोपम मंदाद्या समम शीतोपसंहिता। तो पित्त के भी हमने गुण देखे, पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम तरम द्रवम। उनमें से उष्ण गुण को छोड़ के जो भी पित्त के गुण है, तो उनसे शीत गुणों के साथ जब वो रहेंगे तो वो पित्त का संचय होगा, फिर क्षय होगा। उष्ण गुण जब उसमें ऐड हो जाएगा तो उससे प्रकोप हो जाएगा, मतलब पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण लघु विस्र सर और द्रव, ये गुण जब बढ़ेंगे लेकिन उसके साथ शीत गुण रहेगा, तो उसके उसके वजह से पित्त का संचय होगा। उसमें अगर उष्ण गुण भी अगर ऐड कर दिया तो फिर पित्त का प्रकोप हो जाएगा, और फिर मंदाद्याः समम शीतोपर संहिता, और शीत गुण के साथ मंद इत्यादि जो गुण है तो उनके कारण पित्त का शमन हो जाएगा। मतलब पित्त के गुणों के अपोजिट जो गुण है वो मंद के साथ और शीत के साथ जब जुड़ेंगे तो उससे पित्त का शमन हो जाएगा। तो ये आप लिख के भी रख सकते हैं कौन से गुणों के कारण हो सकता है, क्योंकि आपको हमने पित्त के और कफ के और वायु के जो गुण है वो तो हमने देखे हैं, तो उसी के वजह से जहां पर आदि ये जो शब्द आता है, जैसे रुक्षाद्या मतलब रुक्ष इत्यादि जो वायु के गुण बताए हैं वो, मंदाद्या मतलब जो मंद इत्यादि जो गुण बताए हैं वो, या फिर तीक्ष्णाद्या मतलब तीक्ष्ण इत्यादि जो पित्त के गुण बताए हैं वो, तो वो आदि यानी जो स्टार्टिंग में बता दिए कि पित्त के ये गुण है तो आदि में ये बाकी सब आ जाते हैं, तो वो हमको वो समझ लेना चाहिए। फिर तीसरा आता है कि कफ का संचय कैसे होगा। तो शीते नियुक्ता स्निग्धाद्या कुरुवते श्लेष्मणश्चयम्।
उष्णेन कोपम तेनैव गुणा रुक्षादय शम। तो शीत गुण से युक्त स्निग्ध इत्यादि गुणों से श्लेष्मा का संचय होता है, कफ का संचय होता है। जब उसमें उष्ण गुण मिल जाता है तो उसका प्रकोप होता है। ये थोड़ा सा हमको और लग सकता है कि कफ का प्रकोप उष्ण गुण से कैसे होगा, वो तो उसके ऑपोजिट है। तो कफ में स्निग्ध शीतो गुरुर मंदो लक्षणो मृष्ण स्थिर कफा, ये कफ के गुण हमने देखे हैं। तो उन सभी गुणों से कफ का संचय हो जाएगा और उष्णेन कोपम, उष्ण गुण जब उसमें मिलेगा तो उसका प्रकोप हो जाएगा। और तेनैव गुणा रुक्षादय शम, रुक्ष इत्यादि गुणों से उसका प्रशम हो जाएगा कफ का। तो अभी इसको हमने जब वात और पित्त के बारे में जब देखा तो एक एक गुण उन्होंने छोड़ दिए हैं। जैसे वायु के गुणों में से शीत गुण उन्होंने छोड़ दिया संचय के लिए, मतलब उष्ण गुण के साथ बाकी सब गुण मिलेंगे तो संचय हो जाएगा और शीत से प्रकोप होगा। तो शीत तो वायु का अपना गुण है तो उससे प्रकोप होगा। पित्त के बारे में हमने देखा कि उष्ण को छोड़ के बाकी सब गुणों से पित्त का संचय होगा, मतलब वहां पर शीत गुण का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट किया। और जब उष्ण गुण के साथ मिलेगा जो पित्त का अपना गुण है तब प्रकोप होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला कि शीतेन युक्ता स्निग्धा, ये सभी तो कफ वैसे कफ के ही गुण है, उनसे कोई गुण छोड़ नहीं दिया। तो स्निग्ध शीतो गुरुर्मंदो श्लक्षणो मृत्स्न स्थिर कफा, ये सभी जो गुण है वो कफ को कफ का संचय करते हैं, लेकिन उसमें उष्ण गुण ऐड करेंगे तो प्रकोप हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो वो कफ के अपोजिट गुण है तो उससे फिर प्रकोप कैसे हो सकता है, ऐसा वैसा मन में आ सकता है। कि बाकी दोषों के बारे में तो ऐसे कहा कि शीत से वायु का प्रकोप होता है और उष्ण से पित्त का प्रकोप होता है। अगर शीत गुण नहीं रहेगा तो वायु का संचय हो जाएगा लेकिन प्रकोप नहीं होगा, और बाकी पित्त के गुण अगर है लेकिन उष्ण गुण अगर नहीं है तो संचय होगा लेकिन प्रकोप नहीं होगा। लेकिन कफ के बारे में ऐसा है कि कफ के सभी गुण अगर साथ में रहेंगे तो भी कफ का संचय ही होगा, प्रकोप नहीं होगा। जब उष्ण गुण साथ में रहेगा तभी प्रकोप होगा। तो उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि शीत गुण जो है वो संबंध करने का काम करता है, कि वो अपने स्थान में वो किसी भी चीज को रोक के रखता है। कफ का जो नॉर्मल स्टेज है वो स्थिर है, अपने स्थान में ही रहता है, वो ज्यादा फैलता नहीं है। लेकिन जब उसमें उष्ण गुण मिल जाएगा तो जैसे घी जब ठंडे सीजन में रहता है तो वो अपने आप जमा हुआ रहता है, लेकिन जब उसमें उष्ण गुण डालेंगे तो फिर वो इधर उधर फैलने लगेगा। तो इसलिए फिर वो अपने स्थान में ही रहता है, लेकिन जब उष्ण गुण उसके साथ मिलेगा तो वो अलग अलग जगह पर फैलने के लिए उसको स्कोप मिलेगा, क्योंकि वो शीत है एक जगह पर स्थिर रहता है, मंद है अपने, उसको गति नहीं है, तो एक ही स्थान में पड़ा हुआ रहेगा। लेकिन जब उष्ण गुण को उस गुण से उसको हम थोड़ा सा स्टिम्युलेट करेंगे तो फिर उसको जगह मिलेगी और वो फैलने लग जाता है। इसलिए फिर उष्ण गुण के कारण कफ का प्रकोप हो जाएगा। तो इसलिए कफ का, जैसा हम कहते हैं कि ठंडे सीजन में कफ का प्रकोप नहीं होता है, जैसा अभी हम बहुत सारा कुछ ठंडा खा लेंगे या फिर कुछ भी कर लेंगे तो हम उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं उस समय में। ऑल्दो इट इज शीत प्रिडोमिनेंट जो ऋतु अभी चल रही है, लेकिन कफ के बढ़ने के वजह से होने वाला जो व्याधि है वो हेमंत और शिशिर ऋतु में नहीं दिखते हैं, वो दिखते हैं वसंत ऋतु में, जब कफ पिघलने लगता है, कि जब सभी जगह से जो है बर्फ पिघलने लगती है तब कफ के जो है संबंधित व्याधि है वो बढ़ने लगते हैं, क्योंकि तब तक कफ अपने स्थान में ही संचित होकर रह जाता है। जब उसको उष्णता, बाहर की उष्णता मिलती है तो फैल के फिर बाकी सब व्याधि उत्पन्न कर लेता है। और इसीलिए मैंने शायद पहले भी एक बार कहा है कि वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमा करहा, कि वैद्य लोगों के लिए शरद ऋतु जो है वो माता की तरह है और कुसुमा कर मतलब वसंत ऋतु है वो पिता की तरह है, वो दोनों वैद्य का ध्यान रखते हैं, क्योंकि पेशेंट तभी ज्यादा मिलते हैं कि शरद ऋतु में पित्त वाले व्याधि मिलेंगे और वसंत ऋतु में कफ के प्रिडोमिनेंट वाले व्याधि मिलेंगे, इसलिए वैद्य का जो चरित्रार्थ है उसे से चलेगा। इसलिए वैद्यानाम शारदी माता पिता च कुसुमा करह, ऐसा बोलते हैं कि जो वसंत ऋतु और पिता की तरह है और जो शरद ऋतु है माता की तरह है, वो ध्यान रखते हैं कि अपना बच्चे का चरित्रार्थ ठीक से चलना चाहिए, तो इसलिए ऐसा वो कहते हैं। तो इस तरीके से हम कफ के प्रकोप को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद
हम अभी संचय हो गया है ये कैसा पहचानेंगे, तो उसके लिए उन्होंने फिर दिया है कि उसके लक्षण क्या दिखते हैं संचय होने के। तो चयो वृद्धि सुधाम्नि एव, चय यानी क्या है, तो अपने ही स्थान में बढ़ना, इसको हम कहते हैं चय। तो चयो वृद्धि स्वधाम्नि एव प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु। और विपरीत गुणेच्छा च, मतलब और एक है कि अपने स्थान में बढ़ना, उसको हम कहेंगे संचय। और वो समझेंगे कैसे, तो प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु, जिन कारणों से दोष बढ़ते हैं उन कारणों से द्वेष होना, ये उसका लक्षण है कि हमें संचय हो रहा है। और विपरीत गुणेच्छा च, और उसके विपरीत गुणों की इच्छा होती है, मतलब शीत गुण का संचय हुआ है, कफ का संचय हो गया है, तो हमको कफ के विपरीत गुणों के आहार खाने की इच्छा होगी। और जो कफ को बढ़ाने वाले जो चीजें हैं उनसे द्वेष हो जाएगा, ये दोनों होगा तभी हम कहेंगे कि संचय हुआ है। तो उसमें एक कंफ्यूजन उसमें ऐसे होता है कि कभी कभी ये होता है कि हमको आदत होती है कि हम ये खाते हैं, मतलब जो बाहर का खाने वाले की आदत है, तो उससे जनरली पित्त की वृद्धि होती है, पित्त वृद्धि कर ही आहार विहार होता है, विदाही होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो संचय होने के बाद भी वो खाने की इच्छा हमको होती है, तो इसको कैसे समझेंगे। तो ऐसा है कि संचय हो गया है, ये दोनों कारणों से हमको पता, दोनों लक्षणों से पता चलेगा। एक तो विपरीत गुणों के खाने की इच्छा होगी, ये भी है, और जिन कारणों से वो बढ़ता है उनसे द्वेष होगा, दोनों भी साथ में होंगे तो ही हम कहेंगे कि वो संचय हुआ है। इनमें से कोई एक होगा तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि संचय हुआ है। या तो हमको बहुत ज्यादा मीठा खाने की आदत है और डायबिटीज हो गई है, और हम जो मीठा खाने की आदत है उसको लगता है कि और मीठा खाना चाहिए, उसको लगता ही है, तो हम क्या उसको संचय की अवस्था कहेंगे, तो वो संचय की अवस्था वैसे भी है नहीं, वो तो दोष को प्रकट हो गया है। तो उसके विपरीत गुणों की इच्छा होनी चाहिए, और बढ़ने वाले दोषों, बढ़ने वाले कारणों से द्वेष होना चाहिए, दोनों होंगे तभी संचय की अवस्था है, ऐसा हम कहेंगे। और कोपस्तु उन्मार्गामिता, तो प्रकोप है तो दोष बाहर निकलने के लिए उत्सुक हो जाते, उन्मार्गामिता बाहर जाने के लिए उद्युक्त हो जाए, मतलब बाहर निकल, कभी थोड़ा सा उनको स्टिमुलेशन मिल जाएगा तो बाहर निकल जाएंगे, ऐसा जब होता है उसको हम कहेंगे कोप है। और फिर लिंगानाम दर्शनम श्रेषाम अस्वास्थ्यम रोग संभवः, और अपने लक्षणों को वो प्रकट करते हैं। तो संचय की अवस्था में लक्षण कोई दिखेंगे नहीं, मतलब दोषों के बढ़ने के लक्षण हमको संचय की अवस्था में नहीं दिखेंगे, वो दिखेंगे कोप की अवस्था में, प्रकोप की अवस्था में दिखेंगे। तो लिंगानाम दर्शनम श्रेषाम, अपने बढ़े हुए लक्षण है वो दिखने लगेंगे। और अस्वास्थ्यम रोग संभवः, और जो व्यक्ति जो है वो अस्वस्थ हो जाएगा, और रोग संभव, रोगों की उत्पत्ति होगी कोप की अवस्था में। और स्वस्थानस्थ समता, और अपने स्थान में जब साम्यावस्था में आ जाएंगे, और विकार असंभवः, विकार जो है वो कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि प्रशम की अवस्था है। तो कोप की अवस्था में लक्षण उत्पन्न होंगे, और जब वो लक्षण कम हो जाएंगे और दोष अपने स्थान में नॉर्मल कंडीशन में जब आ जाएंगे, तब प्रशम की अवस्था हो जाएगी। इस तरीके से हम संचय, प्रकोप और प्रशम, इन तीन तीनों चीजों को देखेंगे। फिर शरद हाँ, ऋतु में पित्त की व्याधियां ज्यादा होती है ना। कौन से शरद में, अभी वो उनको उसको उसके आगे आएगा ही, वो नहीं, उसका वो जस्ट क्या आगे वाला श्लोक पुराना वही है। हाँ माता पिता वाला जो है, वसंत में आपने कफ बोला और हाँ 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 नहीं, अभी उसके बाद में वो आएगा आज ही, जा रहा है। मैंने ठीक, जो हाँ, तो उसके बाद है उसका जस्ट बाद वाला जो श्लोक है 24वां, चय प्रकोप प्रशमा वायुर ग्रीष्मा दिशु त्रिषु वर्षा दिशु तो पित्तस्य श्लेष्मण शिशिरा दिशु। तो संचय, प्रकोप और प्रशम, जैसा हमने कहा कि प्रकोप की अवस्था में लक्षण दिखते हैं और व्याधि की अवस्था आती है, तो चय प्रकोप प्रशमा वायु हो ग्रीष्मा दिशु त्रिशु, तो वायु का संचय, प्रकोप और प्रशम ये ग्रीष्मादि ऋतु में होता है,
रिस्पेक्टिवली, मतलब ग्रीष्म ऋतु में जैसा हमने देखा उष्ण नियुक्ता रुक्षाद्या, उष्ण गुण होता है उसके साथ रुक्ष वगैरह गुण साथ में रहते हैं ग्रीष्म ऋतु में, तब तो वायु का संचय होगा हो जाएगा, वो एक जगह पर आएगा, फिर उसके आदि मतलब उसके ग्रीष्म के बाद कौन सा ऋतु आता है तो वर्षा आता है, तो वर्षा ऋतु में तो उसके साथ शीत गुण मिल जाता है तो वायु का प्रकोप होता है, बाकी गुणों के साथ शीत गुण मिल जाएगा तो वायु का प्रकोप हो जाएगा, तो वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप होगा, और फिर शरद ऋतु में उष्ण गुण आ जाता है, और वर्षा ऋतु के कारण थोड़ी स्निग्धता भी पूरे वातावरण में आ जाती है, तो उसके कारण फिर वायु का प्रशम हो जाता है, तो चय प्रकोप प्रशमा वायु हो ग्रीष्मादिषु त्रिषु, ग्रीष्म इत्यादि तीन ऋतुओं में वायु का क्रमशः संचय प्रकोप प्रशम होगा, मतलब ग्रीष्म ऋतु में संचय, वर्षा ऋतु में प्रकोप, शरद ऋतु में प्रशम, ये हो जाएगा। फिर वर्षादिषु तो पित्तस्य, मतलब ज्यादा वात के व्याधि जो है वो वर्षा ऋतु में निकले दिखने को मिलेंगे लक्षण, क्योंकि उनके प्रकोप अवस्था में लक्षण दिखते हैं, इसलिए वायु के व्याधि वर्षा ऋतु में ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे, इसीलिए उनकी चिकित्सा वायु की जब करनी होती है तो सबसे अच्छी चिकित्सा वायु की बसती है, तो वो वर्षा ऋतु में ज्यादा करने का ये है, मतलब उसका इफेक्ट जल्दी मिलेगा हमको है, तो बस्ती वैसे कौन से भी सीजन में कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरली हमको अगर किसी को बस्ती का कोर्स कराना है तो वर्षा ऋतु में करने का ज्यादा बताते हैं। फिर उसके बाद है वर्षादिषु तो पित्तस्य, वर्षा इत्यादि ऋतुओं में पित्त का संचय प्रकोप प्रशम होता है, तो वर्षादि मतलब वर्षा से शुरू होने वाले जो तीन ऋतु है, वर्षा शरद और हेमंत, तो वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होता है क्योंकि उसमें उष्ण गुण से युक्त बाकी पित्त के गुण रहते हैं, तो उसमें शीत गुण से युक्त बाकी सब गुण रहते हैं, वर्षा ऋतु में थोड़ा ठंडा भी रहता है तो पित्त का संचय हो जाता है, फिर शरद ऋतु में उसके साथ उष्ण गुण आ जाता है, जैसे हम अक्टूबर हीट जैसा बोलते हैं, तो बरसात खत्म होती है लेकिन ठंड का सीजन शुरू नहीं होता है, तो उसके बीच में गर्मी बहुत बढ़ती है, तो उस समय में पित्त का संचय हो जाता है, तो पित्त का प्रकोप हो जाता है, सॉरी पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए फिर पित्त के व्याधि लक्षण उस सीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसीलिए शरद ऋतु में पित्त के व्याधि ज्यादा होते हैं, और इसीलिए उसकी चिकित्सा जो है, जो विरेचन हम कहते हैं पित्त की चिकित्सा, तो वो शरद ऋतु में विरेचन का ज्यादा प्रचलन है कि शरद ऋतु में नॉर्मली विरेचन करा लेना चाहिए, और फिर उसका जो प्रशम है वर्षा शरद और हेमंत, हेमंत ऋतु में बाकी जो गुण है पित्त के अपोजिट वाले सभी आ जाते हैं, इसलिए हेमंत ऋतु में पित्त का प्रशम हो जाता है, ये नेचुरली होता है। फिर ये तो बड़ी मजेदार श्लेष्मा, बात है। अगर मैं अपना अनुभव देखूं तो बिल्कुल मैच करता हाँ है इससे, क्योंकि मेरे साथ भी जो लास्ट ईयर हुआ, जो ये वाले जो वर्षा का जो सेकंड पार्ट था, उसमें शायद वो बढ़ रहा था फिर, है ना। हाँ तो फॉर्चुनेटली, और शायद इसी वजह से, तो इसीलिए वो शरद में ही जो विरेचन हुआ, जरूरत भी विरेचन की पड़ी, क्योंकि शायद पित्त बढ़ा हुआ था, मुझे मालूम नहीं। तो वो शायद यानी कि बड़े सही ऋतु के अंदर वो विरेचन हुआ मेरा, अक्टूबर के अंदर सही महीना था एकदम, राइट। हाँ, जब ऐसा, और इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, मैंने पहले ही शायद बोल भी दिया है कि केवल महीनों के हिसाब से भी ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो जो पर्टिकुलर ऋतु के गुण जो बताए हैं वो जब मैनिफेस्ट होंगे तब उसको हम ऋतु कहेंगे कि शरद ऋतु है, तो शरद ऋतु में उष्णता भी होनी चाहिए, बरसात खत्म हुई होनी चाहिए, ये सभी अगर हो रहा है तो उसको हम कहेंगे कि शरद ऋतु है, अगर उस तरीके के लक्षण अगर नहीं दिख रहे हैं तो हम कहेंगे उसको कि ऋतु नॉर्मल नहीं है, तो उस सीजन में फिर उसका जो है प्रशम है, प्रसर है, प्रकोप है, ये ठीक ढंग से नहीं होगा। जी और फिर तीसरा जो है वो श्लेष्मण शिशिरादिषु, तो शिशिर से शुरू होने वाले जो तीन ऋतु है उनमें कफ का रिस्पेक्टिवली संचय, प्रकोप और प्रशम ये होता है, तो शिशिर ऋतु में कफ का संचय हो जाएगा, जिससे जैसा हमने कहा कि कफ के सभी जो गुण है स्निग्ध शीतो गुरूर मंदो ये सभी शिशिर ऋतु में रहते हैं, तो उसमें कफ का संचय हो जाएगा, उसके बाद वसंत ऋतु आ जाएगी, तो वसंत ऋतु में गर्मी बढ़ने लगती है, तो पूरी तरह से बढ़ी हुई नहीं रहती लेकिन गर्मी
शिशिर से कंपैरिजन में ज्यादा होती है, ग्रीष्म कंपैरिजन से कम होती है, तो जो कफ का संचय हुआ है वो पिघलने लगता है, तो वसंत ऋतु में कफ के व्याधि ज्यादा होते हैं, तो इसलिए फिर वो ऋतु ये पिता कुसुमाग्रा जो हमने कहा, तो वो है, वो इसलिए कफ के व्याधि वसंत ऋतु में ज्यादा होते हैं। इसीलिए वमन अगर कराना है नॉर्मल कंडीशन में तो वो वसंत ऋतु में वमन कराते हैं, तो वासंतिक वमन के बहुत सारे कैंप भी अलग अलग जगह पर लगते हैं, और फिर ग्रीष्म ऋतु में सभी जो गुण है वो कफ के अपोजिट वाले होते हैं, इसलिए फिर कफ का शमन जो है वो ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हो जाता है, तो इस तरीके से उसको समझेंगे। फिर तो एक तरह से क्या और इसी तरह से फिर ग्रीष्म ऋतु रिलेटिवली हाँ हेल्दी सीजन रहता है क्या? कफ की व्याधि होने के लिए हेल्दी है, नहीं होने के लिए हेल्दी है, लेकिन उसमें भी वायु का संचय तो होगा ही, उस तरीके से आहार विहार नहीं रखेंगे तो वायु का संचय होगा, कफ का तो शमन हो जाएगा, लेकिन उसी सीजन में, मतलब ऐसा है कि एक सीजन में एक ऋतु का एक दोष का शमन होगा तो दूसरे दोष बढ़ भी सकते हैं, अगर हमने जो है वो दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन अगर नहीं किया तो वो होगा कि सभी जो जैसा है कि ये सभी रिलेटिव है, कोई ऐसे एक अकेला बढ़ेगा अकेला कम होगा ऐसे नहीं है। फिर हाँ उसके बाद है कि हम क्या क्या किन किन प्रकार के आहार से वो बढ़ता है वो भी उसमें दिया है कि चीयते लघु रूक्षा भी औषधि भी समीरण तद्विदस तद्विदे देहे कालस्य औषधं न कुप्यति, फिर अद्भि अम्ल विपाकाभिर औषधि विश्व तादृशम पित्तम याति चयम कोपम न तु कालस्य शैत्यतः, चीयते स्निग्ध शीताभि उदक औषधि भी कफः तुल्येपि काले देहे च स्कन्नत्वान् न प्रकुप्यति। उसी तरीके जैसा हमने ऋतु के बारे में देखा वैसे ही आहार विहार के बारे में भी ऐसा ही है कि किस ऋतु में किस प्रकार का आहार विहार सेवन करेंगे तो क्या होगा, तो चीयते लघु रुक्षा भी औषधि भी समीरण, तो ग्रीष्म काल में लघु रुक्ष इत्यादि प्रकार के औषधि का सेवन करेंगे तो वायु जो है वो चीयते मतलब तो उसका संचय होगा, फिर तद्विधस तद्विधे देहे और उसी प्रकार के देह में तो वायु के प्रिडोमिनेंस वाला जो देह है उसमें वायु का जाएगा, मतलब ग्रीष्म ऋतु में हमने लघु रुक्ष प्रकार की औषधि सेवन की तो वायु का संचय ग्रीष्म ऋतु में हो जाएगा, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में उष्णता ज्यादा रहती है इसलिए फिर उसका प्रकोप नहीं होगा। फिर अद्भि अम्ल विपाका भी औषधि विश तादृशम, और अम्ल विपाक वाले औषधियों का सेवन हमने अगर वर्षा ऋतु अगर किया संचय हो जाएगा, लेकिन कोपम न तु काल से शैत्यता, काल में शीतला होती है वो काल ठंडा होता है, वर्षा ऋतु में ठंडा काल रहता है इसलिए उसका संचय तो हो जाएगा लेकिन प्रकोप नहीं हो पाएगा। और फिर तीसरा चीयते स्निग्ध शीता भी उदक औषधि भी कफहा, और तुल्येपि काले देहे च स्कन्नत्वान् न प्रकोप्यति, तो शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु में स्निग्ध शीत इत्यादि औषधियों का सेवन करेंगे, उदक पानी और औषधि का सेवन करेंगे तो कफ का संचय होगा, और उसके तुल्य काल और देह होने के बाद भी मतलब उसके कफज व्याधि कफज प्रकृति वाला व्यक्ति है और उसने शिशिर ऋतु में स्निग्ध शीत इत्यादि औषधियों का सेवन किया आहार का सेवन किया तो कफ का संचय तो हो जाएगा लेकिन वो एक जगह पर स्कन्नत्वात् एक जगह पर वो जमा हो जाता है इसलिए उसका प्रकोप नहीं होता है। तो इस तरीके से आहार विहार के बारे में भी ध्यान में रखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में हमने बहुत सूखा वगैरह से खा लिया तो वात के व्याधि तुरंत होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि जब उष्ण गुण रहता है तो वो वात को
प्रकोप नहीं होने देता, संचय तो होता रहेगा, बॉडी में तो वात जमा होता रहेगा, लेकिन उसके कारण होने वाले जो व्याधि है वो उत्पन्न नहीं होंगे, क्योंकि उष्ण गुण उसके साथ में, तो वो उसको प्रकोप होने देगा नहीं। उसी तरीके से पित्त का काल में, मतलब वर्षा ऋतु में, हमने अम्ल विपाकी, मतलब जो जिनका हम जैसा हमने विपाक रस अविरे विपाक के बारे में देखा था, तो अम्ल धातु रसों का विपाक अम्ल होता है, हमने देखा था। तो अम्ल विपाकी द्रव्य जब हम खाएंगे उससे पित्त का प्रकोप होना चाहिए, लेकिन वर्षा ऋतु में इतना उष्णता नहीं रहती है जिससे पित्त का प्रकोप हो, इसलिए केवल पित्त का संचय ही उस काल में होता है। तो उससे पित्त का संचय होते रहेगा लेकिन उसका प्रकोप नहीं होगा। और फिर बाद में कफ के सीजन में हमने बहुत ठंडा, बहुत स्निग्ध ऐसे आहार अगर खा लिया तो उसमें कफ की व्याधि हमको नहीं दिखेंगे। उसके बाद जब वसंत ऋतु आएगा तब जाके कफ की व्याधि हमको देखने को मिलेंगे। तो हम ऐसा, इसलिए हम ये बताना जरूरी इसलिए है कि हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हमने ग्रीष्म ऋतु में ये खा लिया लेकिन कुछ हुआ तो कुछ नहीं हमको, तो बाद में जाके उसका हमको देखने को मिलता है कि अरे ये तो अभी तो हम कुछ खा नहीं रहे, तो वसंत ऋतु में हमने तो नहीं खाया लेकिन व्याधि क्यों दिख रहा है। तो हमने अपने भाई अपने हेमंत ऋतु में शिशिर ऋतु में बहुत सारा खा लिया है ना, तो बाहर कैसे कब निकलेगा, जब उसको थोड़ा सा स्टिम्युलेशन मिलेगा तब जाके वो बाहर निकलेगा। तो इसलिए उस सीजन में हमने खा लिया फिर भी वो प्रकोप होता नहीं है, उसके बाद वाले ऋतु में उसका जाके प्रकोप हो जाता है, तो इस तरीके से वो संचय होता है। तो ये थोड़ा उसको समझना इम्पोर्टेंट है कि अभी हम खाएंगे तुरंत उसका परिणाम नहीं दिखेगा, उसके बाद के सीजन में उसका परिणाम हमको देखने को मिलेगा। बहुत ही इति कार्य इम्पोर्टेंट स्वभावो अयम। पॉइंट है, हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने। जी बिल्कुल, इसलिए फिर वो बहुत बार ऐसे होता है कि हाँ हम तो खा लेते हैं कुछ तो हम होता नहीं है, तो उस समय कुछ नहीं होता है, फिर बाद में जाके जब उसका प्रकोप का समय आता है तो फिर वो दिखाता है कि वो आपने क्या क्या खाया है वो सब निकलता है बाहर। तो इति काल स्वभावो अयम आहारादि वशात पुनः चयादि नियंति सद्योपि दोषा कालेपि वानतु। तो इसी तरीके से ये जो है वो काल स्वभावो अयम, ये काल का स्वभाव है कि अपना अपने ही समय में वो अपना कार्य दिखाता है। और आहार आदि वशात पुनः चयादि नियंति, तो आहार के कारण और काल के कारण उनका संचय इत्यादि होता है। और सद्योपि दोषः कालेपि वानतु, और हाँ उसके काल के अनुसार कभी उसका प्रकोप होता है, कभी उसका प्रशम होता है, और कभी उसका संचय होता है। वो आहार के ऊपर और काल के ऊपर वो डिपेंड करता है। ये जब संचय या प्रकोप ये सब कुछ होता है तो फिर वो व्यापति सहसा देहम आपार कलम मस्तकम निवर्तित निवर्तते तु कुपितो मलो अल्पाल्पम जलौघवत। तो ऐसे होता है कि संचय इतना ज्यादा हुआ रहता है कि वो व्याप्त सहसा वो अचानक पूरे देश देह को शरीर को व्याप्त हो जाता है, मतलब पूरे देह शरीर में फैल जाता है। आपार तल मस्तकम, पैर से लेकर सिर तक वो पूरे शरीर में तुरंत ही फैल जाता है। और निवर्तते तु कुपितो और मलो अल्पाल्पम जलौघवत, और उस तरीके से जब उसका प्रशम होता है, जब कम होता है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत वो फैल जाता है पूरे शरीर में, और उसका जो प्रशम है वो धीरे धीरे हो जाता है। जैसे जैसे हम उसका जिस कारणों से वो हुआ है उनका जब हम उससे निवृत्त हो जाएंगे, वो कारण का सेवन हम नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो अपने स्थान पर अपने प्रमाण में आ जाता है। फिर जैसे मतलब उसके मलोल पालकम जलोहर, उसकी उसमें पानी के बहाव का यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि जब बाढ़ आती है तो एकदम से वो सब जगह पर फैल जाता है, और अगर किसी बाहर निकलने का रास्ता अगर नहीं मिल रहा है तो वो सब जगह फैल जाएगा, लेकिन जैसे उसको बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा तो धीरे धीरे वो पानी अपने आप वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से दोष भी एकदम से सब जगह पर फैल जाते हैं,
जब उनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा तो वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। फिर नाना, फिर उसके बाद वाले जो श्लोक है वो उसी जो हमने अब तक जो देखा है उसी को डिस्क्राइब करने वाले वो श्लोक है कि नाना रूपे ही असंख्य ही विकार ही कुपिता मलाहा तापयंती तनुम तस्मात तद हेत्वा कृति साधनम शक्यम नैकई कशो वक्तुम अतः सामान्य मुच्यते। तो इसी तरीके से नाना रूपई अनेक रूप के और असंख्य कारणों से मल यानी यहाँ पर दोष या धातु सभी उसमें आ जाते हैं, तो मल मतलब दोष उसमें आते हैं तो वो विकृत हो जाते हैं। नाना रूपई असंख्य ही विकार ही कुपिता मलाहा तापयंती तनुम शरीर को पीड़ा देते हैं और तस्मात तद हेतु आकृति साधनम शक्यम नैकई कशो वक्तुम, और उनका हरेक व्याधि के बारे में डिटेल में बताना संभव नहीं है, एक-एक को अलग-अलग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने एक जनरल आइडिया आपको दे दिया है कि हरेक व्याधि की कारण हरेक व्याधि का चिकित्सा हरेक व्याधि का प्रशम होने का जो जो भी है वो सभी एक जगह पर बताना संभव नहीं है, इसलिए सामान्यतः से ऐसे होता है। जनरली इस तरीके से दोष पढ़ते हैं, जनरली इस तरीके से दोषों का संचय होता है और जनरली इस तरीके से दोषों का शमन होता है, ये हमने बोल दिया क्योंकि हर एक व्याधि के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। फिर क्योंकि वो उनके विकार और उनके कारणों से वो होता है वो असंख्य है, इसलिए वो हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट ये दे दिया है इस तरीके से वो होता है। और उसके बाद फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया दोषा एवहि सर्वेशां रोगाणां एक कारणम, दोष ही सभी व्याधियों का एकमेव कारण है। यथा जैसे यथा पक्षी परिपतन सर्वतः सर्वमप्यहा छायाम अत्येति नात्मीयाम यथावा कृत्स्नमप्यदहा विकार जातं द्विविधम त्रीन गुणा नाति वर्तते। तो उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसा पक्षी होता है वो तो आसमान में उड़ता है दिन के समय में, पूरे दिन वो आसमान में उड़ेगा लेकिन अपनी जो छाया है जो जमीन पर उसकी छांव पड़ती है उससे वो दूर नहीं जा सकता है, वापस जब आएगा तो वो उसके साथ ही वो जमीन पर आकर जब बैठेगा तब वो छाया के साथ ही उसको बैठना पड़ेगा दिन के समय में। उसी तरीके से दोषों के कारण कितना भी अलग अलग प्रकार के व्याधि हमको देखने को मिल रहे होंगे फिर भी उनका जो मूल है वो दोष ही है कि दोषों से ही जो है वो व्याधि सब कुछ होते हैं। तो जैसा पक्षी उड़ते समय भी अपनी छाया को लांग कर जा नहीं सकता है तो वो उसके साथ ही वो रहेगी, उसी तरीके से व्याधि कितने भी प्रकार के हो जाएंगे लेकिन वो कफ पित्त और वात के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया है विकार जातन विविधम तीन गुणा नाति वर्तते, इन तीनों को छोड़ के वो बाहर जो है व्याधि नहीं जा सकती, इन तीनों में से किसी से व्याधि होगा। तथा स्वधातु वैषम्य में निमित्तम अपि सर्वदा विकार जातम तीन दोषा, और धातु भी जब विकृत हो जाएंगी तो भी ये तीन दोषों के बाहर के कारणों से प्रकोपित नहीं होंगी, इन तीनों दोषों के कारण ही धातु जो है वो विकृत हो सकती है। ये हमको समझ लेना है कि कितना भी हम हाथ पैर मार लेंगे लेकिन इन तीनों के बाहर कुछ भी नहीं है, उनसे ही होगा। और ये हमको इसमें एक बात इसमें ध्यान में रखनी ये है कि ये सभी जो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं वो निज व्याधि के बारे में बता रहे हैं, निज मतलब जो दोषों से होने वाले व्याधि है उनके बारे में बता रहे हैं, जो आगंतुज है कि दूसरे बाहर के कारणों से होने वाले हैं, जैसा किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी को बाहर का इन्फेक्शन हो गया वो बात अलग है, लेकिन अगर वो बाहर के कारण अगर नहीं है तो जो व्याधि है वो इन्हीं तीनों दोषों के कारण होंगे, और बाहर के कारण से होने वाले व्याधि भी उसके बाद जो शरीर में जो भी उसका परिणाम होगा तो वो तीन दोषों के अनुसार ही होगा, उसकी चिकित्सा अगर नहीं करेंगे तो दोषों को वो प्रकोपित करेगा ही। और फिर प्रकोप कैसे होगा कि जैसा हमने एक गुणों के बारे में देखा तो वो एक हमने एक उसका एक एस्पेक्ट उसका देखा कि इन गुणों से प्रकोप होता है या फिर संचय होता है या फिर प्रशम होता है, लेकिन दूसरा एक व्यक्ति सापेक्ष भी कुछ चीजें होती हैं कि जिनके कारण दोषों का संचय या प्रकोप होगा, तो वो क्यों होगा कैसे होगा, तो तेषां कोपे तु कारणम अर्थैहि असात्मैहि
संयोग तालह कर्म च दुष्कृतम हीन अति मिथ्या योगेन भिद्यते तु पुनस्त्रिधा। कि शरीर में, शरीर तो मनुष्य का है और गुण शरीर में ही रहते हैं, तो मनुष्य किस तरीके से बिहेव करेगा तो क्या होगा, तो उसके लिए फिर उन्होंने दिया है कि प्रकोप इन गुणों से होगा है तो ठीक है, लेकिन वो प्रकोप होने के कारण क्या है कि शरीर में तो अपने आप तो गुण आएंगे नहीं, कुछ तो करेंगे तब जाके गुण शरीर में आएंगे, तो अर्थ ही असात में संयोग। तो वो प्रकोप होने के कारण क्या है, तो शरीर जब मतलब मनुष्य जब तीन कारण उन्होंने बताया कि असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा है प्रज्ञापराध प्रतिष्ठा परिणाम, ये तीन कारणों से व्याधि होते हैं। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग का मतलब होता है कि जो हर एक हमने पंच ज्ञानेन्द्रिय के बारे में देखा है तो या फिर पंच कर्मेंद्रिय के बारे में भी पता है आपको, तो उनका अपने अर्थ से मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है वो इन पंच ज्ञानेन्द्रियों के जो है वो अर्थ बताए हैं कि आंखों से क्या दिखता है हमको, तो रूप का जैसा हमने देखा है कि पंच महाभूत है तो हरेक का एक एक अर्थ है, तो एक है पृथ्वी जो है वो गंध है उसमें गुण है, फिर वायु में जो है वो स्पर्श वाला गुण है, अग्नि में है जो वो रूप गुण है, फिर जल में जो है वो क्या है शब्द स्पर्श रस एक गुण है, और पृथ्वी में जो है गंध, ऐसे पांचों महाभूतों के पांच ऐसे स्पेसिफिक गुण है, तो उनका उनके इंद्रियों के साथ जब सही अर्थ से संयोग नहीं होगा तब व्याधि उत्पन्न होंगे। तो और वो संयोग सही से नहीं होगा इसका मतलब क्या है, या तो हीन योग होगा या तो मिथ्या योग होगा या तो अति योग होगा। अभी इसको भी थोड़ा सा समझना इम्पोर्टेंट है कि हीन योग यानी क्या, मिथ्या योग यानी क्या और अति योग यानी क्या, ये भी समझना इम्पोर्टेंट है तभी जाके हमको पता चलेगा। तो ये केवल उसका एक कारण है कि असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ सही मात्रा में संयोग ना होना, ये व्याधि होने का एक मूलभूत कारण है। मतलब जैसा हमने देखा कि हमारे पांच ज्ञानेंद्रिय पांच महाभूतों को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अगर आप को देखेंगे तो वो अग्नि महाभूत का मतलब जो कार्य है रूप करने का वो आँख का कार्य है, फिर त्वचा जो है वो वायु महाभूत का जो गुण है मतलब स्पर्श, वो त्वचा के ऊपर पूरा उसका हमें जानकारी उसको मिलती है, फिर अपने कान है श्रवण श्रोत्रेंद्रिय, वो आकाश महाभूत का जो ये है गुण शब्द वो हमारा घ्राणेन्द्रिय का विषय है, फिर सॉरी श्रोत्रेंद्रिय का विषय है, फिर घ्राणेन्द्रिय नाक का जो विषय है वो पृथ्वी का महाभूत का जो अर्थ है यानी गंध वो घ्राणेन्द्रिय का विषय है, और जो हमारी जो जीवा है वो जल महाभूत का जो स्पेसिफिक गुण है यानी रस यानी टेस्ट, ये जीवा जीवा इंद्रिय का स्पेसिफिक विषय है। तो इन पांचों इंद्रियों का अपने विषयों के साथ हीन योग होगा, मिथ्या योग होगा या फिर अति योग होगा तो व्याधि उत्पन्न हो जाएगा। तो ये हीन योग यानी क्या है, मिथ्या योग यानी क्या है, अति योग यानी क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन आगे वाले जो है उसमें दिया हुआ है। फिर दूसरा है काल। तो जैसा आपने पहले देखा कि काल के अनुसार भी संचय प्रकोप और प्रशम होता है, तो वो काल एक कारण है। और तीसरा है कर्म च दुष्कृतम की प्रज्ञापराध, जिसको हम दूसरा एक नाम देखें प्रज्ञापराध, उसको दुष्कृतम मतलब सही जो है वो ना करना, दुष्कर्म कुछ किया है, दुष्कर्म का मतलब यहाँ पर कोई पाप कर्म से यहाँ पर मीनिंग नहीं है, यहाँ पर हमको पता है कि ये गलत है फिर भी हम कर रहे हैं, कि जैसा हमें पता है कि फास्ट फूड खाना अच्छा नहीं है फिर भी हम खाते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रज्ञापराध, हमको हमें हम जानते हैं कि ये खाना बॉडी के लिए हानिकारक है लेकिन फिर भी हम खाते हैं, तो उसका परिणाम होता है कि हमको ज्ञान है फिर भी हम उस अपराध कर रहे हैं, तो उसका फीडबैक जो आउटपुट हमको तो मिलेगा ही, तो उसको कहते हैं प्रज्ञापराध। दूसरा है काल,
काल मतलब परिणाम जो हम बोलेंगे कि काल तो है ही, जैसा हमने पहले देखा कि काल के अनुसार संचय प्रकोप पर प्रश्न होता है, तो वो काल एक कारण हो गया। और जो पहला हमने कहा कि अर्थों का, इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ असात्म्य में संयोग, मतलब उनको जो इंटेंडेड नहीं है उस तरीके से अर्थों का उनके विषयों के, मतलब इंद्रियों का उनके विषयों के साथ संयोग होना, इसको हम एक मेजर कारण है कि जिनसे व्याधि उत्पन्न होते हैं। तो हीन मिथ्या, ये अति मिथ्या योगेन भिद्यते तु पुनस्त्रिधा। तो हीन योग, मिथ्या योग और अति योग, इनसे ये तीन टाइप से डिवाइड हो जाता है। असात्म्य इंद्रिय अर्थ संयोग के तीन प्रकार, हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। काल के भी हीन योग, मिथ्या योग और अति योग होता है, इस तरीके से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हीन योग यानी क्या है? तो हीनो अर्थे अर्थेन इंद्रियस्य अल्प संयोग सेन नैव वा, अति योगो अति संसर्ग सूक्ष्म भासुर भैरवम। तो इंद्रियों का अपने विषयों के साथ बिल्कुल भी संयोग नहीं होना, इसको हम कहेंगे हीन योग। मतलब आंखों का काम देखना है लेकिन हम कुछ भी देख नहीं रहे, आंखें बंद करके बैठ गए, तो वो पक्षी का उनके इंद्रियों के साथ असंयोग, तो उसको हम बोलेंगे हीन योग। फिर अति योगो अति संसर्ग कहा, बहुत ज्यादा आंखों का उपयोग कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, तो वो अति योग हो गया। तो और तीसरा है जो उसको इंटेंडेड नहीं है वो हम देखेंगे, तो उसको हम कहेंगे मिथ्या योग। कि सूक्ष्म भासुर भैरवम, सूक्ष्म बहुत बारीक जो बहुत सूक्ष्म चीज है उसको देख रहे हैं। भासुर मतलब जो आंखों के देखने के लिए अच्छा नहीं लगता है, वो बीभत्स ऐसा दृश्य हमने देख लिया। भैरवम यानी बहुत डर लगने वाला ऐसा कुछ हमने देख लिया, तो वो हो गया मिथ्या योग। तो उसके साथ ही अत्यासन्न अति दूरस्थम विप्रियम विकृतादिच यक्षणा वीक्षते रूपम मिथ्या योग सदारुणा। फिर बहुत दूर की चीजें ही हमको देखने देखना पड़ता है, कि बहुत दूर दूर के कुछ लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर दिख नहीं रहा है, फिर भी हम देख रहे हैं, तो वो उसका मिथ्या योग हो गया। अति समीप है, बहुत पास में है, तो उसको हम, जैसा हम देख रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कुछ देख पढ़ने वाला होता है, उससे कम डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो मिथ्या योग हो गया। विप्रियम विकृत आदि, जो हमको देखने में प्रिय नहीं लगता है वो देखना, और विकृत और कुछ विकृत चीजें देखना, ये सभी जो है वो दे आंखों से अगर देखेंगे तो वो मिथ्या योग हो गया। तो इस तरीके से एवं अत्युच्च पूत्यादीन इंद्रियार्थान यथायथम विद्यात। जैसा हमने आंखों के बारे में देखा उसी तरीके से बाकी जो इंद्रियां हैं उनके बारे में भी ऐसे ही सोचना है। इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ संयोग नहीं होना, इसको हम कहेंगे हीन योग। या फिर बहुत कम होना, उसको हम कहेंगे हीन योग। बहुत ज्यादा उसका उपयोग करना, उसको कहेंगे अति योग। और जो उसको इंटेंडेड नहीं है वो करना, उसका हम कहते हैं कि मिथ्या योग। इस तरीके से ये जैसे आंखों के बारे में देखा, उसी तरीके से बाकी जो चार बचे हुए इंद्रिय हैं उनके बारे में भी, उनका कम उपयोग करना, ज्यादा उपयोग करना, और जो इंटरनेट नहीं है वो करना, उसको हम कहेंगे अति योग और मिथ्या योग। इस तरीके से उसको समझेंगे, तो वो एक व्याधि होने का बहुत बड़ा कारण है। फिर काल का मिथ्या योग, अति योग और हीन योग कैसा समझेंगे? तो कालस्तु शीतोष्ण वर्षा वर्षा भेदा त्रिधा मतः। कि जैसे हमने काल को देखा कि 6 ऋतु है, लेकिन 6 ऋतुओं को 3 कालों में डिवाइड कर सकते हैं, शीत उष्ण और वर्षा। शीत ऋतु, उष्ण ऋतु और वर्षा ऋतु, इन तीनों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सहीनो हीन शीतादि अति योगो अति लक्षण। मतलब अगर हीन योग यानी क्या, मतलब शीत ऋतु चल रहा है लेकिन ठंड ही नहीं पड़ रही है, तो उसको हम कहेंगे हीन योग। अति योग यानी क्या हो गया, तो शीत ऋतु है लेकिन नॉर्मली जो टेंडेंसी होती है जितना ठंड पड़ती है उससे बहुत ज्यादा ठंड पड़ गया, उसको हम कहेंगे अति योग। बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई तो काल के अनुसार उसका अति योग हो गया। और मिथ्या योग क्या हो गया, कि शीत ऋतु है लेकिन बारिश हो गई, तो उसको हम कहेंगे अति योग। जैसे अभी हो रहा है कि ऋतु शीत है लेकिन बरसात भी बीच में हो जाती है, तो वो हो गया मिथ्या योग, सॉरी। या फिर शीत ऋतु है लेकिन गर्मी एकदम पड़ गई, तो उसको हम कहेंगे मिथ्या योग। कि जो काल में
जो होना इंटेंडेड नहीं है वो अगर हो रहा है उसको हम कहेंगे मिथ्या योग। तो इस तरीके से काल का हीन योग, मिथ्या योग और अतियोग इसको समझेंगे। और फिर कर्म को भी हम हीन योग, मिथ्या योग और अतियोग, कर्म मतलब जो भी हम इंटेंडेड कर्म हमारे हैं उनको उसके हिसाब से नहीं करना, जो हम प्रज्ञा अपराध करके जो हमने बोला था उनके भी हीन योग, मिथ्या योग और अतियोग होते हैं। तो वो क्या है, तो काय वाक चित्त भेद है ना, कर्म अभी भजे त्रिधा, शरीर के कर्म, वाणी के कर्म और चित्त के कर्म, इन प्रकार से कर्मों को भी तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। और इनका उनको हर एक का हीन योग, मिथ्या योग और अतियोग, इनको भी तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो वो कैसा है, तो कायादि कर्मणो हीना प्रवृत्ति ही हीन सम्यक कहा, शरीर से जो कर्म करना अपेक्षित है वो नहीं करना उसको हम कहेंगे हीन योग। उठ के व्यायाम करना, चलने के लिए जाना, अपना दैनंदिन कार्यकलाप करना, ये उसका नॉर्मल शरीर का काम है, वो नहीं करना उसको हम कहेंगे हीन योग। फिर अतियोगो अतिवृत्तिस्तु, बहुत ज्यादा करना, इस शरीर को एक्सर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसा पैसे कमाने के लिए बहुत लोग इधर उधर कूदते रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा काम करना उसको हम कहेंगे अतियोग। और मिथ्या योग क्या है शरीर का, तो वेगो दीर्ण धारणम, जो हमारे जो वेग के बारे में हमने देखा है कि मल का वेग है, मूत्र का वेग है, या फिर जो भी हमारे 13 प्रकार के वेग हमने देखे थे उनका, उसको धारण करना, उसको रोक के रखना, या फिर जबरदस्ती उसको करना, मतलब हमको अभी ऑफिस जाना है तो हमें मल का वेग नहीं आया फिर भी चले गए और जबरदस्ती किया, तो उसको हम बोलेंगे उसका उदीरण किया हमने वेग का, तो उसको हम बोलेंगे वेगोदीरण। और धारण, और मीटिंग चल रही है हम बाहर जा नहीं सकते और मल को वेग को रोक के रख दिया, तो वो हो गया धारण, तो वेग उदीरण धारण। विषम अंग क्रिया, शरीर की जो क्रिया इंटेंडेड नहीं है, विषम मैं हम सो रहे हैं लेकिन पैर उल्टा सीधा करके कैसे भी सो रहे हैं, पैर ऐसा ऊपर टांग के सो जाएंगे, तो विषम अंग क्रिया, तो शरीर की जो क्रिया जिस स्थिति में करना सही है वो ना करते हुए दूसरी कोई क्रिया करना, तो उसको हम कहेंगे विषम अंग क्रिया। आरंभ पतन स्खलनादिकम, हम कहीं से गिर गए, फिसल गए, तो वो भाषणम सानुभुक्तस्य राग द्वेष भयादि च कर्म प्राणादि पातादि दशधा यच्च निंदितम मिथ्या योग समस्तो असौ इह वा अमूत्र वा कृतम। तो भोजन सानुभुक्तस्य, थोड़ा सा खाना हो गया फिर बातें करने लगे, फिर खाना नहीं खाया, फिर राग द्वेष भयादि च, बहुत ज्यादा किसी से हमारी आसक्ति हो गई है या फिर द्वेष हो गया है, फिर कर्म प्राणादि पातादि, फिर कुछ अलग अलग प्रकार के कर्म हम कर रहे हैं, प्राणादि पातादि मतलब आत्महत्या करना, ये भी मिथ्या योग है। फिर दशधा यच्च, एक दस निंदित कर्म अष्टांग हृदय में बताए हैं वो करना, तो वो है जो है वो मिथ्या योग है। और इस तरीके से शरीर के जो है वो अतियोग, हीन योग और मिथ्या योग इसको हम समझेंगे। उसी तरीके से वाणी का और मन का हम मिथ्या योग, अतियोग और हीन योग को हम समझ सकते हैं। ये सभी जो है वो व्याधि उत्पन्न करने के लिए कारण होते हैं। तो निदान एतद् दोषाणाम, ये सभी जो है वो दोषों के बढ़ने के या घटने के कारण होते हैं, कि निदानम एतद् दोष, ये हेतु है, इन कारणों से ये सब होता है। कुपितः तेन न एकधा कुर्वन्ति विविधान व्याधिन शाखा कोष्ठास्थि संधिषु, और इन कारणों की वजह से दोष जब प्रकुपित हो जाते हैं तो वो विविध प्रकार के व्याधि उत्पन्न करते हैं जो शाखा में आश्रित है या फिर कोष्ठ में आश्रित है या अस्थि संधि में आश्रित है। इन तरीके के व्याधि हीन योग से, मिथ्या योग से या अति योग से उत्पन्न हो जाते हैं और ये व्याधि के निदान है। तो फिर इसमें तीन प्रकार के रोग मार्ग बताए हैं, मतलब एक अभ्यंतर रोग मार्ग है,
दूसरा मध्यम रोग मार्ग है और तीसरा बाह्य रोग मार्ग है। तो ये क्या क्या है? तो ये तीनों के रोग मार्ग के व्याधि निदान के सेवन से हो सकते हैं, कि जो हमने कालार्थ कर्मणाम योगो हीन मिथ्याति मात्र कहा, जो हमने देखा अभी कि कालार्थ कर्म के हीन योग मिथ्या योग अति योग से ये जो कारणों से व्याधि होंगे, तो ये तीन प्रकार के व्याधि हो सकते हैं। तो एक बाह्य रोग मार्ग में होंगे, या फिर आभ्यंतर रोग मार्ग में होंगे, या फिर मध्यम रोग मार्ग में होंगे। तो वो क्या क्या है? तो शाखा रक्तादयः त्वक् बाह्य रोगाय निमित्त। तो शाखा मतलब शरीर के हाथ और पांव जो है वो, उसके साथ ही रक्त, रस और रक्त जो धातु है वो, और त्वचा ये जो है वो बाह्य रोग मार्ग है। तो हम कहते हैं बाह्य रोग मार्ग है कि रस रक्त और शाखा, मतलब ये दोनों हाथ पैर जो है और रस और रक्त धातु, इनको हम कहेंगे बाह्य रोग मार्ग है। और त्वचा, तो उनमें कौन से व्याधि होते हैं? तो तद तद आश्रया, उनमें कौन से व्याधि होंगे? मश, व्यंग, गंड, अलजी, अर्बुद, बहिर्भागाश्च, दुर्नाम मतलब अर्श मतलब पाइल्स, गुल्म, शोफादयो गदाहा। गुल्म और शोफ मतलब इंफ्लेमेशन, ये सभी जो व्याधि है वो बाह्य रोग मार्ग में होंगे। फिर उसके बाद होता आता है आभ्यंतर रोग मार्ग। आभ्यंतर रोग मार्ग क्या है? अंतकोष्ठो महास्रोत आम पक्वाशयाश्रया तत्स्थानः। तो आभ्यंतर रोग मार्ग में क्या आता है? अंतकोष्ठो मतलब जो हम एब्डोमेन बोलते हैं वो आभ्यंतर रोग मार्ग, महास्रोतस मतलब जिससे अन्न का संवहन होता है, अन्न से मतलब मुंह से लेकर पूरा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसको हम कहेंगे महास्रोत। और आम पक्काश पक्वाशयाश्रय, आमाशय पक्वाशय इनके इनमें होने वाले जो व्याधि है उनको हम कहेंगे आभ्यंतर रोग मार्ग। तो उनमें कौन से व्याधि होंगे? तो वह छर्दी, अतिसार। अच्छा, ये जो ऊपर वाले मश, व्यंग, गंड, अलर्जी वगैरह बोला है वो स्किन पे होने वाले व्याधि है। मश है, व्यंग है, मतलब वो व्यंग का मतलब यहाँ पर डिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब हाथ पांव टूट गया तो उसको व्यंग ऐसा नहीं है। वो हम जैसे हमने पहले भी देखा था कि उसके ऊपर दाग पड़ जाना या फिर कुछ डिस्कलरेशन हो जाना उसको हम कहेंगे व्यंग। मश यानी जो हम मस से देखते हैं उसको हम बोलेंगे मस, मश। और गंड, अलर्जी, ये सभी स्किन डिसऑर्डर ज्यादा है। फिर जो है ये बाह्य रोग मार्ग है। फिर आभ्यंतर रोग मार्ग में जो व्याधि होते हैं वो क्या क्या है? तो सर्दी, उल्टी होना, अतिसार, डायरिया, फिर कास, श्वास, उदर ज्वरहा, खांसी और श्वास श्वास की जो तकलीफ है वो, उदर है मतलब जिसको हम असाइटिस कहते हैं, ज्वर ने फीवर, ये अभ्यंतर रोग मार्ग। उसके साथ ही शोफ, अर्शो, गुल्म, विसर्प, विद्रधि। तो अर्श जो व्याधि है इसमें भी आया है और बाह्य रोगाय में भी आ रहा है। अर्श दोनों भी मार्ग का व्याधि है और शोफ भी दोनों मार्गों का व्याधि है, मतलब आभ्यंतर रोग मार्ग और बाह्य रोग मार्ग दोनों का व्याधि। ये शोफ भी है, अर्श भी है, गुल्म भी है और विसर्प विद्रधि ये जो है वो आभ्यंतर रोग मार्ग के व्याधि है। फिर तीसरा आता है मर्मासी संधिगत व्याधि, मध्यम रोग मार्ग। उसमें क्या है? शिरो हृदय बस्त्यादि मर्माणि अस्नाम संधयः। शिर है, फिर हृदय है, बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर है, फिर मर्म शरीर में जो मर्म है उनमें होने वाले व्याधि, अस्नाम संधयः अस्थि के संधियों में होने वाले जो व्याधि है वो, तन्निबद्धाः शिरास्नायु कंडराद्याश्च मध्यमः। और उनको कनेक्ट कनेक्ट करने वाले जो शिरा है, स्नायु है, कंडरा है, जो हमने टिश्यूज और जो हम देखते हैं, जैसा हमने कंडरा यानी जो हम क्या कहेंगे उसको, मसल्स को जोड़ने वाले जो टेंडन्स होते हैं उसको हम कहेंगे कंडरा। और फिर शिरा और स्नायु मतलब वेन्स और आर्टरी जो है उनमें होने वाला जो है वो मध्यम रोग मार्ग है। और उनमें कौन से व्याधि होते हैं? तो रोग मार्ग तत्र यक्ष्म पक्षवद अर्दिता, मतलब यक्ष्मा राज यक्ष्मा है, फिर पक्षवद मतलब पैरालिसिस है, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस है, फिर मूर्धादि रोगा
मतलब जो शिरा शूल शिरा सिर में होने वाले जो व्याधि है, तो वो है फिर संध्या अस्थि त्रिकशूल ग्रहालया, संधियों में होने वाले व्याधि है, और शूल संधियों में होने वाले पेन है, पीड़ा है, तो वो जो है वो सभी आप मध्यम रोग मार्ग के व्याधि है। फिर वायु के कर्म कौन से होते हैं, कि वायु से होने वाले जो है एक्सेस होने वाले जो है वो लक्षण हमको क्या क्या दिख सकते हैं कि लक्षण वायु के हैं, हम कैसे पता चलेगा कि ये लक्षण दिखेंगे तो हम कहेंगे वायु के। तो क्या है, सरंस व्यास व्यध स्वाप सादरुक तोद भेदनम संग अंग भंग संकोच वर्त हर्षण तर्षणम कंप पारुष सौशीर्य शोष स्पंदन वेष्टनम स्तंभ कषाय रसता वर्णश्यावोर्णोपि वा कर्माणि वायो हो। ये सभी लक्षण अगर दिख रहे हैं तो वो वायु के कारण दिख रहे हैं, हमको समझना है कि मतलब अपने स्थान से दूसरी जगह उसका डिसलोकेशन हो जाना, उसको हम बोलेंगे संस। व्यास मतलब उनका जो आकार है वो बढ़ जाना, वो हो व्यास है। फिर है व्यध, मतलब कहीं पर भी हमको पेन हो रहा है, कुछ लग गया ऐसा अगर हमको लगता है तो उसको बोलेंगे व्यध। फिर साद मतलब शरीर का जो नॉर्मल क्रिया होनी है वो नहीं हो रही है, तो उसको हम मुरझाया वाला ना, उसको हम बोलेंगे साद। रुक मतलब पेन कहीं पे हो रहा है तो उसको हम रुजा बोलेंगे। तोद मतलब प्रिकिंग पेन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे तोद। भेदनम मतलब कोई अपना सर फोड़ रहा है ऐसा अगर वेदना अगर हो रही है तो उसको हम बोलेंगे भेदनम। संग मतलब अब उनका जो शरीर के अवयवों का कार्य नहीं हो रहा है, मतलब हैंड मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह पर स्थिर हो गया तो उसको हम बोलेंगे संग, रुक जाना। अंग भंग मतलब शरीर में टूटने जैसी वेदना अगर हो रही है उसको हम बोलेंगे अंग भंग। संकोच मतलब उसको कॉन्ट्रैक्शन हो जाना किसी संधि का, उसको हम बोलेंगे संकोच। वर्त हर्षण तर्षण मुड़ गया है वो, वर्त हर्षण तो जो हम इरप्शन बोलते हैं कि हम हमारे जो रोए रोंगटे खड़े हो जाना, ये जो हर्षण तर्षणम ज्यादा प्यास लगना, फिर कंप मतलब क्रैम्स आना, पारुष बहुत ड्राई हो जाना पूरा बॉडी, सौशीर्य फिर अस्थि में मतलब जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं कि अस्थि में स्पेस बन जाना तो ऑस्टियोपोरोसिस। फिर शोष मतलब बॉडी का वेट कम हो जाना, फिर स्पंदन मतलब कहीं की बॉडी में स्फुरण हो रहा है ऐसे लगना, वेष्टनम फिर कोई भी शरीर का जो अंग है उसको किसी ने ऐसे जकड़ लिया ऐसे लगना, उसको हम बोलेंगे वेष्टनम। स्तंभ तो शरीर अपने जगह पर स्थिर हो जाना, स्तंभ कषाय रसदा मुंह में कषाय रस का अनुभूति होना। वर्ण श्यावो रुणोपि वा बॉडी का कलर जो है वो श्याव मतलब ब्लैकिशनेस अगर बॉडी में आ जाता है, शरीर में आ जाता है, चेहरे पर आ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे ये सभी वायु के कारण होते हैं। तो इसको डिटेल में एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा तब थोड़ा सा ध्यान में आएगा, उसको ध्यान में रखेंगे तो पता चलेगा। तो वो वायु के ये लक्षण दिखते हैं तो वो वायु के कारण होते हैं, ऐसा हमको समझना है। उसी तरीके से पित्त के भी कुछ लक्षण हैं कि जो हमको दिखते हैं, कि जो हम बोलेंगे कि ये लक्षण दिख रहे हैं तो पित्त जो है प्रकोपित हुआ है, हमको समझना है। तो पित्त से क्या होगा, दाह जलन होगी, राग शरीर में रेडनेस आ जाएगा। समय वैसे हमारा तो हो गया है तो क्या करेंगे, हाँ,